हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्री स्टेप स्पारिंग। ओके, तो वो सिंपल एक्सरसाइज है आपका टाइकोंडो का। तो सबसे पहले हम थोड़े एक्सरसाइज करेंगे एंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हैंड एक्सरसाइज करेंगे। तो बैकवर्ड राउंड करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब ऐसे फॉरवर्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, नाउ चेंज एक्सरसाइज। ओके, ये है राइट हैंड फॉरवर्ड करके इस तरह से आपको पुल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत इजी, आराम आराम से करना है आपको, ठीक है। स्क्रैच आना चाहिए मसल्स में। 9 and 10, very good. Now hands forward like this and make a punch and rotate your wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, down, done. अभी क्या करना है आपको, फॉरवर्ड ऐसे लेग करना है, ठीक है। 1, hand on your waist like this. 1, change, 2 and change, 3 and 4, 5। आपका ये जो लेग है ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, उससे अपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उससे आगे नहीं जाना चाहिए, ये 90 डिग्री पे ही खत्म होना चाहिए आपका। चेंज, 7, 8, 9, 10। ओके, तो हमारे ये डन। तो अभी घुमन पोजीशन, हमारे सारे एक्सरसाइज डन। अभी हम इस पोजीशन में खड़े रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो पंच किया था हमने, सबसे पहले पंच होता है इसमें, ठीक है। फॉरवर्ड लेग के साथ पंच आएगा, ठीक है। पंच करेंगे आप और साथ में आपका लेग भी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हाथ आपका वेस्ट में होना चाहिए। तो सिमिलर जो है आपका, इसी तरह आगे बढ़ेंगे आप। 1, 2, 3। ओके, डन। अब यहीं पे दोबारा घुमन पोजीशन, इस वाले पोजीशन में आपको वापस आना है और ऐसे ही आपको बैक जाना है। 1, अभी राइट से स्टार्ट किया था, अभी लेफ्ट से एंड करेंगे, ठीक है। 2, 3। ओके, 3 forward, 3 back, खत्म। अभी इसको वापस घुमन, ठीक है। ये वाला आज हमारा डन हो गया। ओके, तो एक एक स्टेप आपको अच्छे से करना है और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ